इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, ये कर इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन देना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉरेस्ट था, तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का। और ये काफी वाकिफ इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, ये कर इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन देना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉरेस्ट था, तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हैवीली आर्म आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे। आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का। और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से, तो ये किसी पीछे के इलाके से आए। और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। इस ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को। और जो टेरेन है वहां की, जो फॉलेज है, वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा कि हो सकता है पीछे से आए हो, यहाँ पहले भी एक बार अटैक हो चुका है ग्रेड पे, इससे पहले कुछ समय पहले यहाँ इनपुट था, कोई सर्च भी आपने चलाया था, तो क्या ये तो पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूप भी रहा है, तो क्या लग रहा है इनपुट किस तरह की पार की है? और ये जो टेररिस्ट हैं इस इलाके में काफी दिन से थे, कोई इनके कोई और साथी यहाँ और हो सकते हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी इनसे मिला है जिसके कारण इनको कम्युनिकेट कर रहे थे पार? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। ओके, इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते, तो ये हाल ही में आए होंगे किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे। और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहां पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। सर, ऑफ लेट ये देखा गया है कि जो मोस्टली पीसफुल एरियाज हैं, चाहे कश्मीर में हो और जम्मू रीजन में भी, जहां पर काफी देर से टेररिज्म नहीं था, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, एनी स्पेसिफिक रीजन विच यू फील कि क्या हो सकता है? टेररिज्म इज ऑल अबाउट सेंसेशनलाइजिंग थिंग्स, so I think it gives them more sensationalized news, so maybe that's why. I have two small questions. One, that M4E rifle has been recovered. This is the first time that this kind of a rifle has been recovered during the operations in this area. And the second is, did they try to damage temple also to commercialize it? M4 rifle, as of now we've got the information, but we are getting it. I think we'll ascertain that. But M4 rifle has been seen earlier with groups operating in other areas.
So since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnoor sector it is the first time, but otherwise M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now what we have done, we are just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we will be able to come in. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody. सर अब आने वाले चंद दिनों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि आतंकियों की कोशिश रहेगी कि बर्फबारी से ठीक पहले घुसपैठ करें? ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्फीयर पर भी, और क्योंकि बहुत जगहों पे वॉर भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बहुत सारे आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आने के लिए, तो आगे के चैलेंजेस क्या रहेंगे? जिस तरह इन्होंने भी कहा बर्फबारी से पहले रोड्स खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले थ्रेट तो रहेगा, तो किस तरह आगे के चैलेंज रहेंगे और किस तरह आप उसको डील करने के लिए तैयार हैं? चैलेंजेस वही है, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही है, और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पे। सर अभी नॉर्थ ऑफ पीरपंजाल के इलाके में बीएसएफ का एक बयान आया था कि करीबन 150 आतंकी जो है उस इलाके के अंदर पीओके के अंदर ट्रेन तैयार बैठे हुए हैं। साउथ ऑफ पीरपंजाल की क्या स्टेटस है इस इलाके के अंदर? लॉन्च पैड पर कितने आतंकी आपके पास इनपुट्स हैं? ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के अक्रॉस बढ़ती रहती है, घटती रहती नफरी। 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं, ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। सर फैंटम जो था उसकी किस तरह से कैपेबिलिटी हो गई, और क्या वो आगे था तो किस तरह से पूरा हुआ? उसके साथ सर्च ऑपरेशन में डॉग्स को हम यूज करते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेन कैपेबिलिटी सेंस करके ट्रैक करने की, तो उस दौरान इन्होंने छुपाव से फायर किया था उसके ऊपर। मतलब वो पहुंच गया था सर वहां पे जहां पे टेररिस्ट थे, उसकी वजह से पता लगा? दूर से फायर किया था, यस। उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया था।